वो मेरे कुर्बान खानदान का है क्या? फिर उसका दाह संस्कार कौन करेगा? अरे आपके साले हैं वो, तुम जला सकते हैं? नहीं, अगर आपके खानदान का नहीं है, जैन के खानदान का नहीं है, तो मेरे भी खानदान का नहीं है, फिर क्या उसकी लाश मरघट में पड़ी रहेगी? अरे नहीं, कोई और परिवार वाले हो उसके? परिवार वाले? हाँ ठीक कहा मंत्री, मेरे अभी और है 100 साले की चक्के भाई। 100? हाँ क्या अम्मा दादा के वे? अकेले अम्मा दादा के? अकेले अम्मा दादा के? हाँ 100 भाई है वो, और हमारी रानी अकेली है उनकी बहन। ए महाराज, तो तुम्हारी सास को मुर्गियां आई? इसमें क्या मुर्गी की बात है? क्यों नहीं है? अरे मंत्री, इन बातों को छोड़ो। ऐसा है, अब तुम कैचल नगर यानी हमारी ससुराल चले जाओ, ठीक है? और हमारे साले हैं कीचक के भाई, उनसे जाकर के कह देना कि तुम्हारा भाई कीचक राजा के यहाँ सेनापति था, वो रात किसी ने मार दिया, ठीक है महाराज? और उसकी लाश मरघट में पड़ी है, आप सब जाकर के उसकी लाश का दाह संस्कार करो, ठीक है महाराज? जल्दी से चले जाओ। जा रहा हूँ। और देखो, दूर से ही कहना सब दारू पीते हैं। दारू पीते? हो सकता है तुमको भी पिला दे। अरे मैं तो महाराज दूर ही रहूंगा। हाँ, दूर से कह के चले आना और पूछ के आना, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है? जल्दी जाओ। Yeah.
देखो भाई अलग अलग खड़े है लोग गुस्सा में, ठीक है, कोई का उसे बोले उन्हें, और जो कोई भीतर से लेकर के आवे ढाई पीट दे सब। हाँ चलो, हाँ जल में जा खड़ो वही खड़ो रहे।
रह जाए कर लेंगे। अच्छा ये ना बोलो तो करके खिला दे। तो यही बात है, तुम उसकी के बारे में पूछ रहे हो तो तुम जरा दूर हट जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है, और हट जाओ पीछे। जरा ध्यान देकर के सुनना, मैं बता रहा हूँ।